A very good morning to all of you and I welcome you all on your channel Science Saral. तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ सेल. सेल चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर करिकुलम, क्योंकि ये 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमेशा ही आपके एग्जाम्स का पार्ट रहता है. तो आज हम इसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे, कुछ ऐसे टर्म्स को क्लियर करेंगे जिनमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है. सो लेट्स बिगिन. यस, सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन की, यानी कि सेल बनी कैसे. सेल का मतलब होता है कोशा. ये बनी कैसे या धरती पर कैसे ये अस्तित्व में आई. ठीक है, हमें पता होना चाहिए. एनसीईआरटी में कड़े शब्दों में लिखी हुई है ये लाइन इवोल्यूशन चैप्टर में कि द एज ऑफ अर्थ, अर्थ की एज क्या है या अर्थ की आयु क्या है. तो योर आंसर विल बी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक, धरती को बनने में 4.5 बिलियन ईयर्स लगे. उसके बाद धरती बन तो गई, बट क्या जैसे ही धरती बनी तभी उस पर लाइफ आ गई थी? ऐसा नहीं था. धरती के बनने के भी काफ़ी समय बाद लाइफ अपीयर हुई, यानी कि फर्स्ट लिविंग सेल जो है वो अपीयर हुई. इसका आंसर होगा 4 बिलियन ईयर्स अगो. लेट्स रीड दिस लाइन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. देन फर्स्ट सेल और लाइफ फॉर्म अराइज्ड इन, यहाँ पे इन आना चाहिए, ठीक है, इन डीप ओशियन या डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स. समुद्र की गहराइयों में पहली कोशा बनी थी. ठीक, दीज सेल्स वर प्रोकैरियोटिक इन नेचर. देखिए यहाँ पर टर्म आ रहा है प्रोकैरियोटिक. ठीक, जो पहली कोशा बनी थी वो किस तरीके की थी? प्रोकैरियोटिक टाइप की थी. प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, ये एक क्वेश्चन है हमारे लिए. तो चलिए आज इसी क्वेश्चन को सुलझाते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये तो बाद की बात है, बट सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं. व्हाई इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन आर बॉडी. उसका रीज़न ये है कि सेल जो है सबसे पहले एक सेल बनी थी जिसके अंदर जीवन था, जो अलाइव थी. अलाइव कैसे थी भाई? वो ग्रोथ कर सकती थी, वो न्यूट्रिशन ले सकती थी हमारी तरह, वो सांस भी ले सकती थी. मतलब जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब एक इंडिविजुअल सेल में भी परफॉर्म होती हैं. इसी वजह से हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं बॉडी की. तो आप देख सकते हो सबसे पहले सेल बनी जो कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है. ठीक, और अगर अर्थ पे देखा जाए तो ये प्रोकैरियोट थी, है ना, रिवाइज करते रहिए मेरे साथ. उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यू. कोई भी, जब काफ़ी सारी कोशाएं एक जगह इकट्ठी हो जाएं और उन सबका काम एक ही हो, जैसे कि आप सभी व्यूअर्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स हैं और आप सभी पढ़ने आए हैं, तो आप कह सकते हो कि आप सब टिश्यूज़ हो. ओके, उसके बाद है ऑर्गन. बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टमक भी आता है, पैनक्रियाज भी आता है, इंटेस्टाइन्स भी आती हैं. तो सभी ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, राइट. और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक जगह यूनाइट हो जाते हैं और कोऑर्डिनेट करने लगते हैं, साथ में काम करने लगते हैं, तो उनको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो फाइनली हमारी बॉडी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है. वी ऑल आर ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स हैं हम सभी. ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द सेल हैव डिफरेंट शेप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. देखिए सेल जो हैं वो कई तरीके की होती हैं, क्योंकि हर कोशा का अपना काम है. हमारी जो नर्व सेल्स हैं उनका काम सेंसेशन पहुँचाना है ब्रेन तक और हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना है, जबकि जो हमारी डाइजेस्टिव सेल्स हैं उनका काम है डाइजेशन या एंजाइम सिक्रीशन. तो हर कोशा का काम अलग अलग होता है. ठीक, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि सेल जो है वो क्या है, एक वॉल है, एक ब्रिक है, सॉरी, सेल क्या है, एक ब्रिक है, यानी ईंट की तरह से है. ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है. ठीक, सेल क्या है, एक ब्रिक है. ब्रिक से क्या बनी? वॉल बनी. ठीक, वॉल बनी, एक जैसी ब्रिक्स को मिलाकर आपने वॉल बना दी. वॉल बनने के बाद क्या तैयार हुआ? अगर आपने बहुत सारी वॉल्स खड़ी कर दी चारों तरफ तो क्या बन गया? रूम बन गया, राइट, रूम बन गया. और अगर बहुत सारे रूम्स आपने मिला दिए तो क्या बना? एक अच्छा खासा, हम कह सकते हैं, हाउस बन गया. हाउस, ठीक है, घर बन गया. और जब बहुत सारे घर
एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आ गए, एक जगह आ गए, तो वो क्या बन गया? वो बन गया कॉलोनी, राइट? आप सभी कॉलोनीज में रहते होंगे, ठीक? तो वो क्या बन गया? कॉलोनी। तो इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से पूरी हायरार्की समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखिए, कोशा जो बनी थी वो यूनिसेलुलर थी, मतलब इतनी छोटी थी और सिंगल थी कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते थे, ठीक? तो मतलब पहली सेल जो अर्थ पर बनी वो कैसी थी? यूनिसेलुलर थी। कैसी थी? यूनिसेलुलर। यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं कई सारे जिन्हें आप देख, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हमारे पास कई तरीके के क्रीचर्स आते हैं, पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक? उसके अलावा एक ही कोशा के बने होते हैं, ठीक? ये प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है, बट कैसा है? प्रोकैरियोटिक टाइप का है। तो आप समझ सकते हो कि बैक्टीरिया जैसी सेल्स थी जो सबसे पहले अर्थ पर बनी थी, ठीक? और उसके अलावा यहाँ पर पैरामीशियम दे रखा है, अमीबा दे रखा है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास दे रखा है। ये सभी जो हैं ये यूनिसेलुलर तो हैं बट यूकैरियोट्स हैं। कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं, ठीक? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टीसेलुलर का मतलब है बहुत सारी अरबों खरबों कोशाओं से बने हुए एनिमल्स। तो उसमें ऑक्टोपस भी आ सकता है, ठीक है, पेट्रोमाइजॉन या कोई फिश भी आ सकती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स को आप देख पाते हैं, मोस्टली 90% वो कैसे होते हैं? वो सभी के सभी यूकैरियोट्स होते हैं, यानी उनमें जो कोशाएं हैं या सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स से मिलकर वो बने होते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है? ये एक छोटा सा डिफरेंस टेबल मैंने यहाँ दे दिया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं हम। मेड ऑफ वन सेल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि वो एक ही कोशा के बने होंगे और यहाँ पर बहुत सारी सेल्स के बने होते हैं। उसके बाद अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द लाइफ फंक्शंस, जैसे कि ईट, रिप्रोड्यूस, रिड वेस्ट एंड मूव। एक ही कोशा वो सारा काम कर रही होती है जो एक बॉडी मिलके करती है किसी की। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कई सारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, मतलब हर सिस्टम का अपना एक अलग अलग काम होता है। सो वी कैन से दैट स्पेशलाइज सेल्स परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शंस, ठीक है? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड अमीबा। हाँ, अमीबा भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होगा, दैट्स अ बिग इशू। ये मैंने पीछे थोड़ा सा आपको अमीबा भी मैंने यूकैरियोट्स में बता दिया है, तो प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ एग्जांपल साफ साफ दे रखे हैं। उसके अलावा है ह्यूमंस। ह्यूमंस जो हैं वो मल्टीसेलुलर हैं और हम सभी यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यस, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। सो दिस इज़ बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल है ये। आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया कैसा है, इसका जो आप फ्लैजेला है इसके पास, इसकी पूरी बॉडी एक कैप्सूल लाइक जैसी होती है। ज़रूरी नहीं सारे बैक्टीरियाज ऐसे ही हों, ठीक है? ये बैक्टीरिया जो है बैसिलस टाइप का है, यानी कि रॉड शेप है विद फ्लैजेला। तो इतना आपको समझना नहीं है, बेसिकली मैं दिखाना चाह रही थी आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। इसमें आप आराम से देख सकते हो कि जो न्यूक्लियोइड है, यानी कि जो डीएनए है, वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंधा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल पूरी बॉडी में फ्री घूमता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की, कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है, वो पूरी सेल में घूमता रहता है, ठीक है? उसके लिए कोई अलग से जगह नहीं है सेल के अंदर, ठीक? और यहाँ पर आप देखेंगे राइबोसोम्स के अलावा आपको कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं मिलता, यानी कि क्या मिलेंगे यहाँ पर? सिर्फ राइबोसोम मिलेंगे, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, सेल वॉल भी होती है बैक्टीरिया में, ठीक, कैप्सूल भी मिलेगा क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो है वो पैरासिटिक होते हैं, ठीक? तो हमें यहाँ बेसिकली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, हमें ये देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या बेसिकली होता है। तो राइबोसोम्स के अलावा
राइबोसोम्स के अलावा यहाँ पे किसी भी तरीके का सेल ऑर्गेनली नहीं मिलता, ठीक है। और डीएनए कैसा होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड का मतलब कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होती, पूरी बॉडी में वो घूमता रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो सेल है ये यूकैरियोटिक टाइप की सेल है, ठीक, मैं इसको लेबल करूँगी, यूकैरियोटिक टाइप की सेल है ये। और इसमें देख सकते हो एक प्रॉपर येलो स्पेस दे रखा है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पर बना रहता है। क्या होता है, डीएनए एक पर्टिकुलर जगह पर बना रहता है, इसके अंदर होगा डीएनए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर न्यूक्लियस मिलेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी, ठीक। ये सभी डिफरेंसेस हैं, मेरे पास एक टेबल भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी, उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, राइबोसोम, देखो यहाँ पे भी मिल रहे हैं राइबोसोम, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार रिवाइज करा रही हूँ, सो प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी, अच्छे से देख लीजिए सभी को, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, वैक्यूल मिलेंगी, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, ये सब कुछ जिस कोशा में मिलेगा वो यूकैरियोटिक काइंड ऑफ सेल होती है, ठीक। तो देखिए कितना डिफरेंस है, बैक्टीरिया में कुछ नहीं मिल रहा, बैक्टीरिया में कुछ भी नहीं मिल रहा और यूकैरियोटिक सेल में सब कुछ मिल रहा है, ठीक। देखिए कुछ इस तरीके से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। देखिए ये डायग्राम है एक, और दूसरा डायग्राम हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का है। इसमें सब कुछ मिल रहा है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सब कुछ, ठीक। और इधर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा सिवाय राइबोसोम के, डीएनए के, सेल वॉल के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात होती है, ठीक। तो ये डायग्राम है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लिखेंगे कैसे, ठीक। अंतर हमने समझ लिया बट एग्ज़ाम में आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे, तो उसी का इलाज है ये टेबल। यहाँ पर सभी पॉइंट्स को इन शॉर्ट दे रखा है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, सबसे पहला नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक। और यहाँ पर कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा न्यूक्लियस। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, इंपॉर्टेंट लाइन, पेप्टिडोग्लाइकन्स, ये क्या चीज़ होती है भाई, पेप्टिडोग्लाइकन्स एक तरीके से कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड है, ठीक, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। जनरली सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है और प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक। प्लांट सेल में आपको सेलुलोज की सेल वॉल मिल जाएगी, और प्लांट सेल भी यूकैरियोट्स में आती है, तो इसीलिए इन्होंने कंपैरिजन जो लिया है वो बेसिकली बैक्टीरिया और प्लांट सेल का लिया है, ठीक। तो बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन्स की सेल वॉल मिलेगी और प्लांट्स में सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल मिलती है। और सेल वॉल एब्सेंट किस में होती है, तो वो एनिमल सेल में होती है। हम एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस भी आगे पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज आप मत होना, ठीक। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, भाई यहाँ पे कोई भी कोशिकांग या सेल ऑर्गेनलीज नहीं मिलती, और यहाँ पर सारे ऑर्गन्स या सेल ऑर्गेनलीज मिलते हैं, ठीक। हैव पिलाई, फिम्ब्री एंड फ्लैजिला फॉर अडेशन और फॉर परपल्शन, देखिए चलने के लिए, फूड इनटेक के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला और पिलाई मिलते हैं, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल को चलने में हेल्प करते हैं, आप इस तरह समझ सकते हो। कुछ प्लांट्स में आपको सीलिया और फ्लैजिला यहाँ मिल जाएगा बट पिलाई एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है म्यूसिलेजिनस कैप्सूल, बैक्टीरिया जो है वो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। कई सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो बीमारियाँ भी फैलाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ठीक है, न्यूमोनिया का ये कॉजल एजेंट है। तो इस तरीके से बैक्टीरियाज को अपने प्रोटेक्शन के लिए एक कैप्सूल चाहिए होता है जो उनकी बॉडी के सबसे ऊपर की कवरिंग होती है, बट किसी भी प्लांट सेल में या एनिमल सेल में इस तरह से नहीं होता है। सेल साइज रेंजेस फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल कितनी ज़्यादा अल्ट्रा स्मॉल होती हैं, ठीक है, माइक्रो होती हैं,
जबकि अगर हम सेल साइज़ देखें किसी भी यूकैरियोटिक सेल का, तो वो 10 से लेकर 150 माइक्रोमीटर तक होता है। ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था यहाँ पर। यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो यूकैरियोटिक सेल का पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल। अमीबा को यहाँ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये गलती से यहाँ पर आ गया है। ओके, यूग्लिना, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर होती है और कॉलोनी बनाकर रहती है। ठीक है, इसमें और इसके अलावा आप क्लेमाइडोमोनास वगैरह भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक, अब है एनिमल सेल और प्लांट सेल। देखिए, हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, बट यूकैरियोट सेल्स में भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्लांट सेल, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें हमारे आसपास प्लांट्स दिखते हैं, और क्या दिखते हैं, क्रीचर्स दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं, चाहे वो छोटे एनिमल्स हों या फिर बड़े एनिमल्स हों। ठीक है, तो इन दोनों को भी हमें डिस्कस करना है इन द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोट्स। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ चीज़ों को, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, आपका कंसेप्ट बन जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिए साइंस सरल के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप स्टडी।